हम जेवर के रीलका गांव पहुंच चुके हैं, तो यहां पर जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है। दरअसल विधानसभा के चुनाव, आगामी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो कितने विकासशील हो चुके हैं। सर आपका नाम? कनारसी है। अच्छा, करते क्या है? मैं किसान पॉलिटिक्स करता हूं, किसानों की आवाज़ को उठाने का हम किसानिकता संघ संगठन के माध्यम से काम करते हैं। अच्छा, आपने किसानों की बात की, सबसे पहले हम किसानों पर ही बात कर लेते हैं कि अभी कृषि कानून लागू किए गए थे, कहीं ना कहीं सरकार को वापस लेना पड़े, लेकिन ये जब तीनों बिल वापस हो गए तो अभी भी आंदोलन क्यों चल रहा है? देखिए, किसी भी अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में जितने भी मोमेंट होती है उन सबको देखते हुए निर्णय लिया गया कि भाई जब हमने आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के होने के बाद सरकार नहीं मानी, फिर लेकिन निरंतर एक वर्ष तक आंदोलन चला, उसके बीच में किसानों ने शहादत दी, किसानों की शहादत हुई, 700 किसानों ने शहादत दी। उसके यदि आप सोचो कि सरकार ने तो बस कह दिया कि भाई हम समझा नहीं पाए किसानों को तो हम वापस ले रहे हैं, तो इसमें ये थोड़ी है कि वो शहादत वापस थोड़ी कर सकते हैं। जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उन किसानों को मुआवजा मिले, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी मिले, और जो जितने भी मुकदमे किसानों पर लगे हैं वो सारे मुकदमे वापस हो, MSP पे कानून बने, गारंटी मिले, वे किसान को जो है फसल बेचने के लिए मंडी की अच्छी व्यवस्था हो, और जितनी भी सुविधाएँ किसान को मिलनी चाहिए उन सब पे विस्तार से आप लोग जब चर्चा करेंगे। अभी चर्चा सरकार करी नहीं, केंद्र सरकार, उन्होंने सिर्फ मंच के माध्यम से कहा है कि भाई हम वापस ले रहे हैं, उन्होंने संसद में कर दिया, पास कर दिया, लेकिन जो मुकदमे लगे हैं, जो शहादत किसानों की हुई है, जो MSP पे गारंटी की बात है, उन पे किसी पे चर्चा थोड़ी हुई है। वो सरकार बुला लेगी, हम चर्चा करना चाहते हैं तो किसान तैयार चर्चा करने के लिए। मौजूदा सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों का ध्यान देते हुए ये बिल वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं अब किसानों को खुश हो जाना चाहिए। देखिए, ये किसानों को देखते हुए बिल्कुल भी वापस नहीं लिया गया। जिस दिन किसानों की शहादत हो रही थी उस दिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ सोए हुए थे, उस दिन देश के कृषि मंत्री कहाँ सोए हुए थे? जिस दिन किसान निरंतर अपनी शहादत इन आंदोलन में अपनी दे रहे थे, तो ये उसको देख के नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों के जो चुनाव है उनको देखते हुए इन्होंने ये देखा है कि आप पश्चिम बंगाल में हार गए, आप धीरे धीरे इन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, तो आपको यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी, उसको देखते हुए उन्होंने वापस लिए हैं। ये बिल वापस करना सरकार के लिए, या यूं कह के मौजूदा सरकार के लिए, जो आगामी चुनाव है वो कितना भारी पड़ सकता है या उनके सपोर्ट में जाएगा? देखिए, सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं। आप निरंतर देख रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं द्वारा, एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा, उसके षड्यंत्र के साथ उन्होंने, आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक उन्होंने गाड़ी चढ़ा करके उनको मारने का काम किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया गया, बेटे को सिर्फ और सिर्फ जब किसानों का दबाव बना, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अरेस्ट कराने का काम किया। तो सर, अगर हम किसानों की बात करें तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार लगातार कह रही है कि किसानों के लिए हमने उन्हें मुआवजा देते हैं, उनकी अगर फसल खराब होती है, प्लस वो 6,000 वाला जो महीने के पैसे भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, उनका कहना है, मौजूदा सरकार का कहना है कि किसानों को ध्यान में रखा हुआ है। देखो, आपकी बगल में ही अनाज मंडी है यहाँ पे। अब धान की जो फसल है, किसान यहाँ 15 दिन से अपनी धान को बाजार में लेकर लेटे हुए थे, डेरा डाले हुए थे, और यहाँ पे किसान की धान की तुलाई नहीं हुई। जो सरकार की तरफ से धान पे MSP है वो मोटे चावल पे है, बाकी ये जितनी और वैरायटी है इन्हें प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ख़रीदते हैं। तो किसान के हमने कांटे लगवाए, यहाँ पे आंदोलन किया भी, तो यहाँ पे 2 दिन हमने तालाबंदी करके अधिकारियों को जब बुलाया गया SDM मौके पे, मंडी के सारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे तो मौके पाए, तब वो यहाँ पे तोल शुरू हुई। तो किसान की आय की बात करते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे 2012 में या मैं 22 में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसान की आय दोगुनी या 4 गुनी कैसे होती है। अब जो किसान फसल बोता है उसकी लागत मूल्य इतनी बढ़ चुकी है, और जब फसल पैदा होती है लागत मूल्य ज़्यादा, आमदनी कम, तो किसान घाटे का सौदा खेती कर रहा, खेती बहुत बड़ी घाटे का सौदा है। और हमारे योगी जी कहते हैं विकास हो रहा, विकास हो रहा, अभी किसी खेत में ये जो आवारा पशु यहाँ घूम रहे हैं, एक खेत में किसी किसान के में चले जाओ तो 2 घंटे में उस खेत को नष्ट कर देते हैं। ये आते कहाँ से? ऐसी आवारा रोड़ों पे जो घूमते हैं, सरकार इन्हें गौशाला जो होती है, गौशाला वाले लोग जंगल में को अपने पशुओं को लेकर आते, ऐसी आधे ने छोड़ जाते हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं होती। अच्छा, आपसे बात करें कि अभी विधानसभा के चुनाव, कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं आप, कि किस तरफ पलटी मारेगी? देखो, हम किसान एकता संघ एक किसान संगठन है, हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना। वो
वोट तो करते होंगे ना, वोट करते हैं जो हमारा क्षेत्रीय है, विधायक सांसद के लिए प्रतिनिधि खड़ा होता, जो अच्छा आदमी होता उसे हम वोट करते हैं। अब जेवर एयरपोर्ट की बात करें, जेवर एयरपोर्ट बनाया, क्षेत्र का किसान की जमीन छीन ली गई है और रोजगार किसान के बच्चों को मिले नहीं है। किसान का बच्चा कभी जेवर एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठ कर विदेश की यात्रा नहीं करेगा। ये तो बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनके लिए एयरपोर्ट का निर्माण किया है, किसान की जमीन ले ली, किसान के हाथ में तो कटोरा दे दिया है।